So the new topic that we are starting now, it's called the term structure and the interest rate dynamics. ये fixed income का पहला topic है. आपके fixed income में important topic पहला ये, and number two option valuation model, arbitrage free valuation, and three embedded option. ये तीन important topics हैं. फिर हमारे पास slightly easier topics आ जाते हैं, जैसे ये credit default swaps के ऊपर. So we'll be taking a start from the term structure and interest rate dynamics. इसमें पढ़ेंगे क्या? इसमें हम गो थ्रू करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स होते हैं और टर्म स्ट्रक्चर कैसा होता है. इंटरेस्ट रेट का टर्म स्ट्रक्चर सबसे पहले वर्ड दिमाग में रखते हैं. टर्म स्ट्रक्चर क्या होता था? टर्म स्ट्रक्चर होता है कि इंटरेस्ट रेट्स एज पर द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी कैसे मूव करते हैं, उसको टर्म स्ट्रक्चर कहते हैं. फॉर वन ईयर का इंटरेस्ट रेट क्या है, टू ईयर्स का क्या है, थ्री ईयर्स का क्या है, फाइव ईयर्स का क्या है, तो डिफरेंट मैच्योरिटीज पे क्या इंटरेस्ट रेट्स है. और फिर हम समझेंगे इंटरेस्ट रेट डायनामिक्स, के इंटरेस्ट रेट्स कैसे इवैल्यूएट होते हैं, कैसे कंप्यूट होते हैं. तो इन दो चीजों पे हमारा फोकस होगा पहली रीडिंग पे. फिक्स्ड इनकम इज नॉट दैट डिफिकल्ट इन माय ओपिनियन ऑफ लेवल टू. तो अगर आप अच्छे समझते हैं, लॉजिकली समझते हैं, तो इतना मुश्किल फिक्स्ड इनकम नहीं है. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स. हम लेवल वन की कुछ बेसिक्स याद कर लेते हैं. हमने इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट टर्म्स पढ़े थे. नंबर वन एक टर्म पढ़ा था स्पॉट रेट्स. याद करते हैं स्पॉट रेट्स क्या होते थे. Spot rates were simply rates on zero coupon bonds. Rates on zero coupon bonds. इसको spot rates कहते थे. हमने level one से थोड़ा सा याद कर लेते हैं. Spot rate one, let's suppose 5%. Spot rate two, let's suppose 6%. Spot rate three, let's suppose 7%. तो स्पॉट रेट्स हमने सीखे थे कि इसका मतलब क्या होता था, कि अगर एक साल का कोई जीरो कूपन बॉन्ड है या एक साल के कैश फ्लो पे हम ये रेट्स अप्लाई कर सकते फॉर डिस्काउंटिंग पर्पस, दूसरे साल के कैश फ्लो पे हम ये रेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिस्काउंटिंग पर्पस, तीसरे साल के कैश फ्लो पे ये रेट अप्लाई हो सकता है फॉर डिस्काउंटिंग पर्पस. लेट सपोज एक साल का बॉन्ड है, सिर्फ जीरो कूपन बॉन्ड है फॉर वन ईयर. अगर उसकी प्राइस निकालनी मुझे, तो पी टी विल बी इक्वल्स टू एज्यूमिंग के फेस वैल्यू वन है, लेट्स सपोज वन है, तो उसको डिस्काउंट कर दूंगा इस रेट से, वन प्लस एस टी इज टू द पावर ऑफ टी. तो एस टी क्या हो गया, 5% आ गया, पावर क्या लग जाएगी, वन, क्योंकि वन ईयर का. अगर दो साल का जीरो कूपन होगा तो ये अप्लाई होगा, तीन साल का जीरो कूपन होगा तो ये अप्लाई होगा. तो ये हमने गो थ्रू किया था लेवल वन में. एक रेट्स होते हैं फॉरवर्ड रेट्स. फॉरवर्ड रेट्स याद कर लेते हैं, ये क्या होते हैं. ये फॉरवर्ड के लिए होते हैं. लेट सपोज आपको फॉरवर्ड रेट चाहिए ऑफ फॉर आफ्टर वन ईयर, फॉर वन ईयर. तो टोटल कितने हो गए, टू ईयर्स. यहां से स्टार्ट करें, टू ईयर्स हो गए. तो मैं एक साल के बाद इस पीरियड का लोन लेना चाहता हूं, तो मुझे आज ही एक फॉरवर्ड रेट चाहिए फ्यूचर में, तो वो फॉरवर्ड रेट ये रहा. तो फॉरवर्ड रेट एट अ फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होता था. फॉर अ स्पेसिफिक हम इस पीरियड को जे कह सकते हैं, इसको के कह सकते हैं. तो वी कैन से फॉरवर्ड रेट ऑफ जे के, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का फॉरवर्ड रेट है. फ्यूचर में आगे जाके वे एक फॉरवर्ड पीरियड है, फॉरवर्ड रेट है. और ये निकलते थे स्पॉट रेट से, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. लेवल वन में पढ़ा था कि वी यूज टू कंप्यूट दिस फ्रॉम स्पॉट रेट्स. फिर एक और तीसरा रेट होता था, उसको बोलते थे YTM, YTM which is known as yield to maturity, yield to maturity. उसको हम YTM कहते थे. yield to maturity होता है वो रेट कि हर कैश फ्लो पे अप्लाई हो सके, डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल ऑन एवरी कैश फ्लो, ऑन एवरी कैश फ्लो, एक ही रेट हर कैश फ्लो पे. एक केस करेंगे उसमें समझने के लिए. जैसे कि स्पॉट रेट्स हैं, वो एक साल के ऊपर पहला अप्लाई हो सकता है, दूसरे साल के ऊपर दूसरा अप्लाई हो सकता है, तीसरे साल के ऊपर तीसरा, डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई हो सकते हैं. फॉरवर्ड रेट सिर्फ उस पीरियड पे ही अप्लाई हो सकता है जिस पीरियड का रेट है वो. लेकिन YTM हर साल के हर पीरियड पे एक ही रेट आप अप्लाई कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं yield to maturity YTM, yield to maturity YTM.
थोड़ा सा याद करते हैं हम लोग आर्बिट्राज फ्री वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेवल वन से याद करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. लेट सपोज आई वांट टू कंप्यूट एन आर्बिट्राज फ्री वैल्यू. लेट सपोज यू हैव अ डेटा, यू हैव अ 3 ईयर बॉन्ड with a coupon rate of 5%, face value 1000. You have been given spot rate 1, 5%, spot rate 2, 7%, and spot rate 3, 8%. आपको पूछा गया है कि आप बॉन्ड की वैल्यू कंप्यूट करें एंड विद दैट आप एक YTM भी कंप्यूट करें. तो हम जरा बॉन्ड की वैल्यू कंप्यूट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसको सॉल्व यहीं पर. अब आपके पास अगर मैं बॉन्ड की स्ट्रीम बना लूं, पहला कैश फ्लो कितना होगा 5% ऑफ 1050, दूसरा कैश फ्लो 50 एंड तीसरा कैश फ्लो 1050. ये 3 ईयर हो गया आपके पास. अब जो स्पॉट रेट 1 है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर पे अप्लाई हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा 50 डिवाइडेड बाय 1.05 इज टू द पावर ऑफ 1 प्लस. जो स्पॉट रेट 2 है वो सिर्फ सेकंड ईयर पे अप्लाई हो सकता है, 50 डिवाइडेड बाय 1.07 कितने साल पे से डिस्काउंट करना है इज टू द पावर 2 प्लस. और स्पॉट रेट 3 जो होता था सिर्फ थर्ड ईयर अप्लाई हो सकता है. So 1050 divided by 1.08 is to the कितने साल पीछे जाना है 3 years is to the power 3. मैं जब इसको solve करूँगा, I will get the answer for my या कह लो present value आ जाएगी मेरे पास, तो price आ जाएगी, value आ जाएगी bond की arbitrage free value as per the basis of spot rates. तो मैं compute कर लेता हूँ इसको. So 50 divided by 1.05 plus 50 divided by 1.07 square plus, so this comes to be 1050 divided by 1.03 to the power 3. So the first one is going 47.6 plus 43.6 plus 833.5. The answer is coming 924.8. तो आपकी जो pricing आ रही 924.8. This is called the arbitrage free value. Arbitrage कौन होता है? जो आपकी under pricing या over pricing से earn ना कर ले. अगर spot rate से price निकली हुई, हम कहते हैं arbitrage free है, क्योंकि वो ना अंडर प्राइस है ना ओवर प्राइस, वो प्रॉपरली प्राइस्ड है, उनके स्पॉट रेट से निकली हुई. अब मुझे YTM जानना, YTM वो रेट है, वो रेट होता है जो मैं हर कैश फ्लो पे एक ही रेट अप्लाई कर सकूं. यहाँ तो मैं डिफरेंट रेट अप्लाई किए, वो एक एवरेज रेट में हर कैश फ्लो में अप्लाई करना चाह रहा हूँ. तो बड़ा आसान तरीका उसका निकालना YTM का. सो वॉट यू नीड टू डू, आप टाइम वैल्यू फॉर मनी के कीज यूज करें. यू हैव द प्रेजेंट वैल्यू विच इज 924.8, माइनस में रखें इसको. You have the future value, which was 1000. You have the payments, which is 50. You have N, which is 3. You need to compute I. This is your YTM. Ye aapka YTM hai. Zara compute karte hain isko. 924.8 is your minus mein. Pehle ya clear work TVM kare. 924.8 minus mein. Maine present value rakh di. 1000 future value rakh di. 50 payment rakh di. 3 एंड रख दिया एंड कंप्यूट आई वाई. सो 924.8 नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू, 50 पेमेंट, 1000 फ्यूचर वैल्यू, 3 एन कंप्यूट आई वाई. सो इट्स कमिंग टू बी 7.91. 7.91 इज योर आई वाई. 7.91% इज योर YTM, yield to maturity. So that's how you compute. अब तक जो हमने पढ़ा है, it's entirely from level 1. Level 1 की चीजें हमने अब तक समझी हैं और पढ़ी हैं.
let's slightly understand the concept of realized return versus expected return. आपने गौर से मेरी बातें सुननी है. टू अंडरस्टैंड दिस गौर से मेरे अटेंशन चाहिए पूरी आपकी. ठीक है, गौर से सुनिएगा. देखिए, रियलाइज का लफ्ज मतलब क्या होता है? रियलाइज होता है जो आपने हकीकत में रिटर्न असल में अर्न किया. आपने 3 साल बॉन्ड रखा, आपने जो रिटर्न अर्न किया. मिसाल छोटी सी ले लेते हैं, एक्सपेक्टेड सैलरी. जब इंटरव्यू पे आप जाते हो तो आप अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बताते हैं, एक्सपेक्टेड क्या है, और रियलाइज क्या होती है, असल में क्या मिले, उसको रियलाइज सैलरी कहेंगे आप. इसी तरीके से एक्सपेक्टेड रिटर्न अमूमन वही होता है जो ओरिजिनल YTM होता है. जो YTM एट द इशुएंस, जब आप बॉन्ड को परचेज कर रहे हो उस वक्त जो ओरिजिनल YTM चला, वो एक्सपेक्टेशन है आपकी कि भाई इतना तो यील्ड टू मैच्योरिटी, इतना रिटर्न तो मैं अर्न करूंगा. अब रियलाइज कितना हुआ डिपेंड करता है कि फिर बाद में मार्केट रेट्स कैसे मूव किए. अगर मार्केट रेट्स बिलो चले गए YTM से तो आपके री इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या हो जाएगी? री इन्वेस्टमेंट रिटर्न कम हो जाएगी. अगर आप मेच्योरिटी तक बॉन्ड रखते तो आपका री इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आप कम रिटर्न पे आप री इन्वेस्ट कर रहे हो. आपने सोचा था एक्सपेक्टेड कि मैं इसी पे री इन्वेस्ट करूंगा सारे कैश फ्लोस, मतलब फ्यूचर वैल्यू में मैं ओरिजिनल YTM पे जाऊंगा. लेकिन अगर मार्केट रेट्स ड्यूरिंग दी बॉन्ड लाइफ कम हो जाए, खुद सोचे ना, तो फ्यूचर वैल्यू आप लोअर रेट पे जा रहे हो तो आपका रियलाइज रिटर्न क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. हाँ, अगर आप मेच्योरिटी तक नहीं रखते, उससे पहले बेच देते हो बॉन्ड, तो देयर इज अ चांस कि रियलाइज रिटर्न बढ़ जाए. क्यों? क्योंकि फिर आपको प्राइस रिटर्न मिल जाएगा. तो कहने का मकसद ये है कि बोथ योर रियलाइज रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन बी डिफरेंट. क्या सर कभी भी दोनों सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. क्या दोनों रियलाइज रिटर्न कैन बी सेम टू एक्सपेक्टेड रिटर्न? यस, बिल्कुल हो सकते हैं, अगर 3 कंडीशन मीट हो. एक तो नंबर 1, आप मैच्योरिटी तक रखो. नंबर 2, आपको टाइमली सारे कैश फ्लोस मिले, कूपन पेमेंट सब टाइमली वही चीज मिले जो आपने डिसाइड किया. नंबर 3, आपका मार्केट रेट थ्रू आउट वही रहे जो ओरिजिनल YTM था, जो इश्यूएंस के वक्त यील्ड टू मैच्योरिटी था वही रहता है, तो फिर आपका रियलाइज रिटर्न विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न. अदरवाइज दोनों में डिफरेंस यूजली रहेगा, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड द फॉरवर्ड प्राइसिंग मॉडल. Let's understand this. It's comparatively easy. Samajhna asaan, itna mushkil nahi hai. So let's take an example. Example mein samajhne ki koshish karte hain isko. Let's take an example that you want to, take a loan, or you want to, in short, buy a bond. After 2 years, after 2 years, for a period of 3 years, right? So you want to buy a bond after 2 years for a period of 3 years. So if I make a timeline of it, so if it's 0, so after 2 years, 1, 2. So after 2 years, you want to buy the bond for 3 years. So the dotted part is for what period you want to buy the bond. So this is the forward time. So you're drawing one line. So I'm just highlighting that line so you can get to know. This is your forward time. That's for what period you want to buy a bond. Now I want to know the forward price of the bond. What would be the forward price of the bond? So what would be the forward price of the bond?
That's what I want to know, the forward price of the bond. So in order to compute that, you have been given a data. You have been given a spot trade of 5 years, which is equals to 6%. And you have been given a spot trade of 2 years, which is equals to 4%. And you have been asked to compute the price of the, or the forward price of the bond, meaning that compute the price of the bond after year two, because that's when you will be paying for the bond, right? So let's understand the सबसे पहला काम हम वो करेंगे जो हमने level one से सीखा है. सर वो क्या है? Computing the forward rate. Computing the forward rate. सबसे पहले मुझे जानना है कि यहाँ पे forward rate क्या होगा, क्योंकि इन तीन cash flows पे वो rate apply होगा. तो level one से याद करते हैं forward rate model. Forward rate model क्या होता था? सिंपल था. लेट सपोज 1+S5 है, तो मेरे पास ये 5 साल का रिटर्न है. स्पॉट ये गिवन है, तो S5 आ गया 5 साल का, इज टू द पावर ऑफ 5, बिकॉज 5 इयर्स इज इक्वल्स टू 2 साल का रिटर्न मेरे पास गिवन है S2, विच इज 1+S2 इज टू द पावर ऑफ 2 इनटू, अब मुझे एक फॉरवर्ड रेट कंप्यूट करना है, इनटू 1+ फॉरवर्ड रेट ऑफ दिस पीरियड इज टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि फॉरवर्ड रेट कितनी दफा लगेगा? 3 years लगेगा. सो इन दिस, बाय मेकिंग दिस फॉरवर्ड रेट मॉडल, द इक्वेशन डेवलप करके मैं फॉरवर्ड रेट कंप्यूट कर सकता हूँ. आई कैन कंप्यूट द फॉरवर्ड रेट इजली. सर कंप्यूट कर ले, कंप्यूट कर लेता हूँ मैं फॉरवर्ड रेट. सो मेरे पास एस फाइव कितने हैं? 1+0.06 इज टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 1+0.04 इज टू द पावर ऑफ 2 इनटू 1+x इज टू द पावर ऑफ 3. When you will be computing for it, your forward rate is coming to be 7.35%. So this is the rate applicable on this period, 7.35%. 7.35%. अब मैं बॉन्ड की प्राइस निकाल सकता हूँ. Let's suppose, assuming that if I want to compute the forward price of the bond, so let's suppose, assuming के par value $1 की है, bond की par value $1 की और कुछ भी नहीं है, जीरो कूपन बॉन्ड है, पार वैल्यू $1 की बॉन्ड की और कुछ भी कूपन सूपन कुछ नहीं है, तो सिंपल है, 1 को डिस्काउंट बैक कर दूंगा मैं इस रेट से, 1+ फॉरवर्ड रेट 0.0735. कितने साल करूंगा डिस्काउंट बैक? 3 साल, मुझे सिर्फ 3 साल पीछे आना है, इस टू पावर ऑफ 3. ये मेरे पास प्राइस आ गई उस ऐसे बॉन्ड की जिसकी सिर्फ पार वैल्यू, जीरो के ऊपर बॉन्ड की प्राइस आ गई विद अ पार वैल्यू ऑफ 1. अगर 100 होती मैं 100 रख देता यहाँ पे, 10 होती 10 रख देता. सो दिस इज हाउ वी कंप्यूट फॉरवर्ड प्राइस ऑफ अ बॉन्ड. अगेन आई फील सो दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम योर CFA लेवल 1. दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम योर CFA लेवल 1. दैट्स व्हाट आई फील सो. ठीक है, CFA लेवल 1 की एक और याद ताजा कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं. लेट सपोज यू हैव बीन गिवन स्पॉट रेट 1, फॉरवर्ड रेट फॉर सेकंड ईयर एंड अ फॉरवर्ड रेट फॉर थर्ड ईयर. स्पॉट रेट 1 इज गिवन 5%, फॉरवर्ड रेट इज गिवन टू बी 7%, 9%. और ज्यादा कर देता हूं मैं इनको, क्योंकि फॉरवर्ड रेट्स ज्यादा ही आते हैं अमूमन. सो 12% एंड दिस इज 18%. 3 ईयर का बॉन्ड है आपके पास, 10% कूपन है और फेस वैल्यू 1000 है. सो यू आर सपोज टू कंप्यूट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड. अगेन लेवल 1 को याद करें, कोई नई चीज नहीं है इसमें, लेवल 1 ही चीज को हम याद कर रहे हैं. कैसे निकालते थे प्राइस? पहले कैश फ्लो अलाइन कर लेते हैं. ईयर 1 पे कैश फ्लो क्या होगा? 1000 का 10% इज हाउ मच? 100. ईयर 2 पे 100. ईयर 3 पे 1100. नाउ हाउ डू आई कंप्यूट दिस? दो तीन तरीके थे, दो तरीके मैंने सिखाए हमेशा लेवल 1 में. हम दोनों तरीके अप्लाई करते हैं. 100 तो स्पॉट ट्रेड 1 से क्या हो जाएगा? डिस्काउंट फॉर हो जाएगा, प्लस दूसरा 100
एक साल, ये जो फॉरवर्डेड होता है ये सिर्फ एक साल के लिए होता है, तो ये सेकंड ईयर के लिए बस। इस साल पे रेट लगेगा स्पॉट रेट, इस साल पे लगेगा फॉरवर्ड रेट। अगर स्पॉट रेट टू गिवन होता वो दोनों साल के लिए यूज हो जाता, मतलब कि फॉर फर्स्ट टू ईयर्स यूज हो जाता है। स्पॉट रेट टू अगर गिवन होता, वो नहीं गिवन होता। एक तरीका तो यार ये है कि आप स्पॉट रेट्स निकाल लो, स्पॉट रेट वन निकाल लो, स्पॉट रेट टू निकाल लो, स्पॉट रेट थ्री निकाल लो और उनको अप्लाई कर दो, वो भी एक तरीका है। तो मैं आपके सामने स्पॉट रेट टू जरा कंप्यूट कर लेता हूँ, क्या होगा स्पॉट रेट टू? सिंपल, वन प्लस स्पॉट रेट वन इंटू वन प्लस फॉरवर्ड रेट, तो वन प्लस स्पॉट रेट टू स्क्वायर, आपके पास स्पॉट रेट टू आ जाएगा। ऐसे ही स्पॉट रेट थ्री निकाल लेना और फिर अप्लाई कर देना उसको। या फिर ईजी तरीका और ईजी कर लेते हैं, ये 100 पहले कितने से डिस्काउंट होगा? 1.12 से, 1.12 फिर कितने से होगा? 1.05 से। तो ऐसे कर ले, प्लस 1100, थर्ड ईयर का क्या डिस्काउंट रेट है? 18%। तो पहले कितने से होगा? 1.18 से, फिर कितने से होगा? 1.12 से, फिर कितने से होगा? 1.05 से। ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास प्राइस आ जाएगी बॉन्ड की बाय यूजिंग दी फॉरवर्ड रेट्स। अगेन आई रिपीट, मैं लेवल वन के ही, अभी ये जो फॉरवर्ड प्राइसिंग है भी लेवल वन से ही कैरी फॉरवर्ड हो रही है, हम लेवल वन का ही काम कर रहे हैं इसके अंदर भी। अब आपके पास एक नई चीज आ रही है लेवल टू से रिलेटेड है इन द फिक्स इनकम, उसको कहते हैं हम, एक मेथड होता है बूटस्ट्रैपिंग, वी कॉल दैट बूटस्ट्रैपिंग। इसको समझेंगे थोड़ा, बूटस्ट्रैपिंग को सर, इसका मतलब कि क्यों यूज हो रहा है, क्या वजह है? दिस मेथड इज यूज फॉर, इज यूज्ड फॉर, यूज फॉर कंप्यूटिंग पार रेट्स ऑफ अ कूपन बॉन्ड, ऑफ अ कूपन बॉन्ड। क्या मतलब सर इसका? देखो मतलब क्या, पार, एक पार बॉन्ड क्या होता है? पार बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो किस पे प्राइज्ड हो? पार वैल्यू पे। किस पे प्राइज्ड हो? पार वैल्यू पे। मैं जानना चाहता हूं भाई, क्या स्पॉट रेट्स करने पड़ेंगे अगर मुझे अपना बॉन्ड किस वैल्यू पे रखना है? थ्रू आउट पार वैल्यू पे। आई रिपीट कि स्पॉट रेट्स क्या होने चाहिए जिसकी वजह से बॉन्ड किस पे रहे? पार वैल्यू पे। याद करो स्पॉट रेट्स को ही यूज करते हैं ना डिस्काउंटिंग के लिए, तभी बॉन्ड की वैल्यू निकलती है। मैं चाहता हूं बॉन्ड की वैल्यू किस पे रहे? पार वैल्यू पे। हेंस तो भाई फिर सर स्पॉट रेट्स क्या होंगे? उन स्पॉट रेट्स को हम बोलेंगे पार रेट्स, उन स्पॉट रेट्स को हम बोल देंगे पार रेट्स बोलें, या फिर आपके लिए पार कर्व बोलेंगे, कि ऐसे स्पॉट रेट्स हैं जिसपे बॉन्ड थ्रू आउट किस पे रहता है? पार वैल्यू पे। जिसपे बॉन्ड थ्रू आउट किस पे रहता है? पार वैल्यू पे। ठीक है, तो सर बूटस्ट्रैपिंग का तरीका क्या होगा? हाउ आर वी सपोज टू कंप्यूट दिस बूटस्ट्रैपिंग वे? बहुत आसान होगा, अगर देखते रहना, बहुत इजी एंड सिंपल कैलकुलेटिव तरीका है। आपको पार रेट्स गिवन होंगे, यहाँ पे जो सवाल में पार रेट्स गिवन होंगे वो कूपन रेट्स आपको गिवन होंगे, और वो कहेगा कि यार स्पॉट रेट्स क्या होने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि पार रेट्स इनएक्ट रहे, मतलब कि आपका बॉन्ड पार वैल्यू पे रहे। तो मिसाल लेते हैं, एग्जांपल में इसको समझेंगे हम। लेट्स सपोज एग्जांपल आपको गिवन है थ्री इयर्स का, वन टू थ्री, आपको कूपन रेट्स गिवन है कि वन ईयर के बॉन्ड पे कूपन रेट है लेट्स सपोज 2%, टू ईयर के बॉन्ड पे कूपन रेट है लेट्स सपोज 4%, थ्री ईयर के बॉन्ड पे कूपन रेट है लेट्स सपोज 6%। पार वैल्यू चल रही है बॉन्ड की, एज्यूम कुछ भी कर लेगा, गेन गिवन, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं 100 पार वैल्यू है बॉन्ड की। अब मैं जानना चाहता हूं, उसने आपसे पूछा भाई स्पॉट रेट्स, उसने आपसे पूछा है स्पॉट रेट वन क्या होगा, स्पॉट रेट टू क्या होगा, स्पॉट रेट थ्री क्या होगा, इन इन ऑर्डर दैट दीज पार रेट्स इनएक्ट, मतलब कि बॉन्ड थ्रू आउट किस पे रहे? पार वैल्यू पे। अब बहुत इजी, इसको बूट स्ट्रैप का मतलब होता है कि आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रैपिंग करनी है हमने। सबसे पहला काम ये होगा, वन बाय वन करेंगे हम, सबसे पहले सॉल्व करेंगे S1। कैसे करेंगे? यहाँ देखती रहेगा, मैं प्राइस रखूंगा 100,
क्योंकि प्राइस मैं कितनी चाहता हूँ, 100 ही चाहता हूँ बॉन्ड की, इज इक्वल्स टू, और प्राइस कैसे निकलती थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, राइट। जब मैं S1 खाली यूज कर रहा हूँ, एज्यूमिंग वन ईयर बॉन्ड, मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, वन ईयर बॉन्ड से एज्यूम कर रहा हूँ, देखते रहिएगा गौर से, आई एम जस्ट एज्यूमिंग अ वन ईयर बॉन्ड। अगर एक साल का बॉन्ड है तो एक साल के एंड में मुझे कितना मिल जाएगा, 100, एक साल के एंड मुझे 100 मिलेगी कैश फ्लो जो कि पार वैल्यू है, प्लस कूपन, कूपन रेट कितना है एक बॉन्ड पे, 2%, तो प्लस 2 मिलेगा, तो मुझे टोटल कितने मिल गए एक साल के एंड में, 102। सो 102 डिवाइडेड बाय 1 प्लस S1, एज सच की प्राइस क्या बने उसकी, 100 बने, और हमेशा वो S1 हमेशा फर्स्ट ईयर का पार रेट ही बनेगा, जो भी कूपन रेट है वो ही बनेगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2%। तो मेरे पास S1 आ गया 2%, आप कंप्यूट कर लेना, ये 2% बनेगा। अब मैं S2 कंप्यूट करना चाहता हूँ, गौर से देखते रहिएगा, क्योंकि S1 मेरे पास अब है, मैं 100 रखूंगा, अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ 2 ईयर बॉन्ड, नाउ आई एम एज्यूमिंग अ 2 ईयर बॉन्ड, 100 इज इक्वल्स टू, पहले साल कैश फ्लो मैं 2 ईयर बॉन्ड यहाँ लिख बना रहा हूँ, फर्स्ट ईयर कैश फ्लो है 2 ईयर बॉन्ड पे क्या चल रहा है कूपन रेट, 4%, तो 100 का 4% इज 4, और दूसरे साल पे कैश फ्लो है 104, तो मेरे पास 4 आ गया, इसको मैं कितने से डिस्काउंट बैक करूंगा, S1 से, S1 मेरे पास क्या निकला था 2%, तो 1.02 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 1 प्लस S2 इज टू द पावर ऑफ स्क्वायर, मैं S2 निकाल लूंगा, प्राइस क्या रखनी है, पार पे ही रखनी है, तो S2 मेरे पास आ जाएगा, S2 कंप्यूट कर लेते हैं, S2 कितना बन जाता है मेरे पास, सो योर S2 वुड बी इक्वल्स टू 4 divided by 1.02, 100 minus answer 104 divided by 1, square root minus 1, 4.04% आ रहा है, इट इज कमिंग टू बी 4.04%, मेरे पास S2 भी आ गया। अब मैं चाहना चाह रहा हूँ S3, अगेन अब मैं एज्यूम करूंगा 3 ईयर बॉन्ड, 3 ईयर बॉन्ड पे क्या कूपन रेट है, 6%, तो 3 ईयर बॉन्ड पे 6 यहां मिलेगा, फिर 6 यहां मिलेगा, और 106 एंड में मिलेंगे, तो प्राइस में रखूंगा वही पार 100, पहले 6 पे पहला स्पॉट ट्रेड विच इज 1.02, दूसरे 6 पे दूसरा स्पॉट ट्रेड विच इज 1.0404 स्क्वायर, एंड तीसरे पे 106 अपॉन पे तीसरा स्पॉट ट्रेड जो मैं कंप्यूट करना है, अब मैं कंप्यूट कर सकता हूं, तो मेरे पास थर्ड का भी स्पॉट ट्रेड आ जाएगा, लेट्स कंप्यूट दैट, 6 divided by 1.02, तो 1.0404 स्क्वायर, तो 2, so 100 minus recall 1 minus recall 2, 106 divided by second answer, the power of 1 divided by 3 minus 1, 6.17% our answer to pass, 6.17%, calculative error ho sakta, aap try kijiyega, I hope so कि calculative error मैंने ना किया, but these, that's how you do the bootstrapping. अब ये spot trades मेरे तीनों निकल आए, ये 2% है, ये 4.04% है, ये 6.17% है, ये spot trades ऐसे spot trades हैं कि अगर ये रहते हैं market में तो आपका bond किस पे value रहेगा, par पे रहेगा, अगर spot trades से different होते हैं तो या तो bond premium पे चला जाएगा या तो bond डिस्काउंट पे चला जाएगा। सो अगर मैंने पार रेट्स का मतलब है कि ऐसे मैं स्पॉट रेट्स निकालना चाह रहा हूँ जिस जो इक्विवेलेंट करे मेरी बॉन्ड की वैल्यू एट द पार वैल्यू, और वन बाय वन होगा, S1 S2 S3, हम S1 में एक साल की कूपन पेमेंट यूज करेंगे, S2 में हम दोनों साल दूसरे साल की कूपन पेमेंट यूज करेंगे, S3 में हम तीनों साल तीसरे साल की कूपन पेमेंट यूज करेंगे, और जैसे ही S1 निकलेगा हम S1 यूज कर लेंगे यहाँ पे, S2 निकलेगा दोनों यूज कर लेंगे यहाँ पे,
तो आप बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू आप स्पॉट ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे। अगर आपने कर लिया तो आई वुड वांट यू टू डू वन मोर एग्जांपल। सो आई वांट यू टू डू दिस एग्जांपल नाउ। कह रहा गिवन द फॉलोइंग एनुअल पे पर कर्व, ये आपको कूपन रेट्स दे दिए उसने, कंप्यूट द कॉरेस्पॉन्डिंग स्पॉट कर्व, स्पॉट रेट कर्व कह रहा निकाल लो। थोड़ा तो इसको बूटस्ट्रैपिंग का तरीका यूज करके, आपको पावर रेट्स गिवन है तो पावर रेट्स होती वो रेट्स है जिस पे बॉन्ड किस पे प्राइस होता है, पावर वैल्यू पे। पावर वैल्यू अज्यूम कर ले 100, अब कंप्यूट करें इसको। गिविंग यू 5 मिनट्स। सो इफ वी सॉल्व दिस इट्स comparatively should be easy. देखें S1 तो हमेशा 1 ही होगा, पार 1, so your S1 will be equals to 1%. Now, in order to compute S2, you would keep par value 100 as your price is equals to, अब S2 के बाद coupon payment क्या हो जाएगी, 1.25%. Assuming 100 par value तो 1.25, मैं as it is लिख दो 1.25 divided by S1 is 1.01 plus 101.25 divided by 1 plus S2 square. जब आप S2 compute करते हैं, let's see क्या answer आता है, check कीजिएगा, यही answer आपका बनता है, S2 is equals to, S2 is coming to be 1.252%. So S2 जो आपका आ रहा है, वो आ रहा है 1.252%. S2 आ रहा है, यहाँ लिख लेता हूँ 1.252% is your S2. अब मेरे पास S2 आ गया, अब let's try to compute S3. S3 के लिए मैं coupon payment क्या रखूँगा, 3 years की, because I'm assuming a 3-year bond, coupon payment 1.5 हो जाएगी, तो 100 price होगी is equals to 1.5 first year, किस rate से, 1.101 से, plus second year 1.5 किस rate से, 0.01252 के स्क्वायर प्लस लास्ट इज 101.5 डिवाइडेड बाय किस रेट से, 1 प्लस एस थ्री क्यूब। अब मुझे एस थ्री सॉल्व करना है, तो एस थ्री जब आप सॉल्व कर रहे होंगे आपके पास आंसर आया होगा, योर आंसर वुड हैव बीन 1.51%, सो योर आंसर वुड हैव बीन 1.51% S3. So this is called bootstrapping. इस तरीके को हम लोग bootstrapping कहते हैं. This is called bootstrapping. Now let's quickly understand the relationship between forward rates and a spot rates. Forward rates and a spot rate. So, बड़ा आसान है, मैथमेटिकल डिस्कशन है इसके ऊपर, कोई हाइफर डिस्कशन नहीं। देखिए स्पॉट ट्रेड्स क्या होते थे, लेट सपोज मैं कहता हूँ स्पॉट ट्रेड वन क्या है कि एक साल का स्पॉट ट्रेड, स्पॉट ट्रेड टू क्या है दो साल का स्पॉट ट्रेड, राइट, टू दोनों साल में लगता है। अच्छा अगर मुझे फॉरवर्ड रेट जानना है दूसरे साल का, वो क्या होगा, दिस इज द फॉरवर्ड रेट ऑफ सेकेंड ईयर। अब फॉरवर्ड रेट और स्पॉट में क्या फर्क है, देखिए फर्स्ट का तो सेम ही रहता है, फर्स्ट ईयर तो स्पॉट वन ही रहेगा, उसमें कोई फॉरवर्ड रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं सेकंड ईयर का फॉरवर्ड रेट निकाल रहा हूँ, स्पॉट रेट टू में फर्क क्या है, फॉरवर्ड रेट स्पेसिफिकली उस साल का होता है, लेकिन स्पॉट रेट दोनों साल पे एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉट रेट है 18% एंड 18% दो साल का, और फर्स्ट ईयर का स्पॉट रेट है 10% और मुझे निकालना है फॉरवर्ड रेट। We know that कि दोनों साल should equate, ये जो return है आपस में दोनों ने equate करना, ये level one में पढ़े हमने कि दोनों S2 और ये जो दो साल के return individual निकल रहे हैं ये आपस में equate होने, तो obvious ही बात है अगर पहला साल का return 10% है तो दूसरे साल का जो forward rate आएगा वो बनिस्बत 18% से ज्यादा आएगा, क्यों, ताकि ये जो return दो साल का है वो equal हो जाए इन दो साल के return से, क्योंकि अगर 18 ही आएगा तो फिर यहाँ पे दोनों जगह 18 है तो पहले साल का रिटर्न तो कम हो जाएगा ना, तो हमें यहाँ पे 18 से बड़ा रिटर्न चाहिए ताकि इक्वेट कर जाओ। जब भी आप फॉरवर्ड रेट निकालते हो फॉर्मूला यही यूज करते हो ना, 1 प्लस एस टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एस वन, 1 इंटू 1 प्लस एफ आर टू इज टू 1, राइट, ताकि दो साल बन जाए आपके।
और फॉरवर्डेड आ जाता है. याद रखिएगा फॉरवर्डेड हमेशा जो फॉरवर्डेड लेट्स अबाउट 24% निकला हमेशा ज्यादा आएगा विद द सेकंड ईयर स्पॉट रेट, क्योंकि स्पॉट रेट दोनों साल अप्लाई हो रहा है और फॉरवर्डेड सिर्फ एक साल अप्लाई होना है, और इस तरह से होना है कि इन दो साल का रिटर्न सेम हो, इक्वलेंट हो इस टाइमलाइन के. सो व्हाट वी अंडरस्टूड इज कि फॉरवर्ड रेट्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द स्पॉट रेट्स. ये तो मैथमेटिकल रूल बन गया कि अगर सेकंड ईयर का स्पॉट रेट चल रहा है 18%, तो फॉरवर्ड रेट सेकंड ईयर का क्या होना चाहिए, ज्यादा ही बनेगा. सो अगर मैं दो कर्व्स बनाता हूँ, एक स्पॉट रेट कर्व बनाता हूँ, एक फॉरवर्ड रेट कर्व बनाता हूँ. स्पॉट रेट कर्व क्या हो गया, तो मैं यील्ड कर्व्स बना रहा हूँ. लेट्स सपोज आई एम मेकिंग यील्ड कर्व्स. सो इफ आई एम मेकिंग यील्ड कर्व, ये आपके पास यील्ड कर्व आ गए. टर्म स्ट्रक्चर कर्व बना रहा हूँ, मेच्योरिटी रख रहा हूँ यहाँ पे मैं, एंड यहाँ पे मैं यील्ड रख रहा हूँ. तो अगर मैं स्पॉट रेट कर्व बना रहा हूँ, लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर का कुछ भी हो, स्पॉट रेट आहिस्ता आहिस्ता कर्व में ग्रो होना है, बढ़ना और फिर स्टीप फ्लैटन होना. ये होता है ना आगे जाके कर्व फ्लैटन होता है. इनिशियली मेच्योरिटी के साथ क्यों बढ़ता है, उनकी मेच्योरिटी प्रीमियम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो इतना मैटर नहीं करता प्रीमियम, तो फ्लैटन हो जाता है. ये हो गया स्पॉट रेट कर्व आपका. अब सवाल बनता है सर कि सर फॉरवर्ड रेट कर्व कैसा होगा. ठीक है, स्पॉट रेट कर्व या आगे फॉरवर्ड रेट कर्व, मैंने बोला फॉरवर्ड रेट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पॉट रेट, तो फॉरवर्ड रेट कर्व हमेशा अबव बनेगा. पहले ही साल का स्पॉट रेट अगर सेम है तो हमेशा फॉरवर्ड रेट कर्व अबव द स्पॉट रेट कर्व बनेगा, क्योंकि फॉरवर्ड रेट्स हमेशा स्पॉट से क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे. तो फॉरवर्ड रेट कर्व विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द स्पॉट रेट, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द स्पॉट रेट कर्व. अब डिस्कशन कर लेते हैं सर YTM क्या होता है. YTM होता था कि एक ही रेट अप्लाई हो हर साल पे. YTM को हम ऐसे सोच सकते हैं एक एवरेज है. YTM को ऐसे सोच सकते हैं हम एक एवरेज है. वो चाहता है YTM इज समथिंग लाइक जो हर साल में एक ही रेट अप्लाई हो, हर साल में एक ही रेट अप्लाई हो. जैसे कि S1 अलग है 5%, S2 अलग है 10%. अगर मैं स्पॉट रेट्स यूज करूंगा तो हर साल अलग अलग रेट अप्लाई होंगे. YTM ऐसा रेट होता है जो दोनों साल एक ही रेट अप्लाई हो सकता है. तो YTM को अभी एज अ मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ले लो, एवरेज ले रहे हो आप रिटर्न्स का. क्या ले रहे हो, एवरेज. तो जब भी आप दोनों को ऐड करके एवरेज लोगे, वो आंसर 10 से तो हमेशा क्या आएगा, कम आएगा. आंसर हमेशा 10 से क्या आएगा, कम आएगा. सो दैट मीन्स योर YTM कर्व विल ऑलवेज बी बिलो देन योर स्पॉट कर्व. YTM कर्व विल ऑलवेज बी बिलो देन योर स्पॉट कर्व. ये अपने पास लिख लें कि अबव कौन से होते हैं, बिलो कौन से होते हैं, ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्पॉट कर्व्स में और फॉरवर्ड कर्व्स में.